So guys, now in this video, we will learn a very important concept कि एक string के अंदर से किसी छोटे string को कैसे extract किया जाता है। हम इस video में दो important concept सीखेंगे, indexing and slicing, ठीक है? तो सबसे पहले let's discuss the concept of indexing. So let's say आपके पास एक string है C, जिसमें लिखा हुआ है hello, और अगर मैं इसको print कर दूं, तो this is the output. अब since it is a sequence of characters, हमेशा याद रखना कि इन characters का एक index position होता है. जैसे अगर आप इस h का बात करो, since ये पहला character है, इसका index position is 0, ठीक है? फिर अगला जो e है, इसका index position is 1, l का 2, दूसरे वाले l का 3 और इसका 4, ठीक है? And you can actually fetch these characters out from the string using a simple notation. You can write C square bracket 0. So, मैं in a way क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इस string का पहला character निकाल के दो. And you can see मुझे H मिल गया. अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो मुझे E मिल जाएगा. अगर मैं 2 लिखूँ तो L मिल जाएगा. 3 लिखने पे फिर से L मिल जाएगा. और 4 लिखने पे O मिल जाएगा. अब अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ तो मुझे एक error मिलेगा. Out of range error. मतलब जितने characters नहीं है उससे ज्यादा हमने indexing पकड़ के question किया, which is not allowed. ठीक है, so इसी को बोला जाता है indexing. अब indexing जो होता है वो दो तरीके का होता है. Indexing दो तरीके का होता है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ types of indexing. So पहला जो type होता है वो हमने अभी पढ़ा, उसको positive indexing बोलते हैं. Positive indexing के केस में आप क्या करते हो कि आप assume करते हो कि आपका पहला जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स पोजीशन 0 है और लास्ट वाले तक आप पॉजिटिव नंबर्स बढ़ाते जाते हो. जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, पहला वाला 0, फिर उसके बाद एक ऐड होके 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट? तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और आपका इंडेक्स पोजिशन लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है? और एक सेकेंड इंडेक्सिंग और होता है जिसको हम नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं. नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि आप राइट से लेफ्ट जाते हो. जैसे अगर आप हेलो का बात करो तो आप ओ से स्टार्ट करके एच की तरफ जाओगे जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का बात कर रहे हो. और आपका जो ओ है इसका इंडेक्स पोजीशन होता है -1. फिर अगला जो एल है इसका इंडेक्स पोजीशन होगा -2. फिर अगले वाले का -3 एंड सो ऑन, ठीक है? अब मैं आपको अगर दिखाऊं जल्दी से, अगर आप यहां पर लिखो प्रिंट C का -1, आपको O मिलेगा. अगर आप 2 लिखो तो L मिलेगा. 3 लिखो फिर से L मिलेगा. 4 लिखने पे E मिलेगा और 5 लिखने पे H मिलेगा. और अगर आप यहाँ पे 6 लिखो तो फिर से सेम एरर आ जाएगा, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, पाइथन में जो इंडेक्सिंग है वो दो तरीके की है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग. आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो. अब इमेजिन करो, आप यूजर से एक स्ट्रिंग ले रहे हो, आपको नहीं पता कि यूजर कितना लंबा स्ट्रिंग टाइप करेगा और आपको क्या बताना है, लास्ट कैरेक्टर निकाल के बताना है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लेंथ निकाल करके माइनस माइनस करके आंसर देना पड़ेगा. बट अगर आपके पास नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, आप चुपचाप स्ट्रिंग का आगे -1 लगा दोगे और आपको आपका लास्ट कैरेक्टर मिल जाएगा. तो कुछ सिनेरियोज में बहुत हेल्पफुल होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग. वैसे आप पूरा काम पॉजिटिव इंडेक्सिंग से भी चला सकते हो, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग सिंस होता है तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है? तो आई होप आपको यहां तक कोई परेशानी नहीं है रिलेटेड टू इंडेक्सिंग, ठीक है? अब सेकेंड कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग. अगर आपने नोटिस किया होगा, इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स को निकाल सकते हो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से. बट अगर आप चाहो तो एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसको बोला जाता है स्लाइसिंग. स्लाइसिंग में आप क्या करते हो, आप एक रेंज प्रोवाइड करते हो. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे लेट्स से लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है? दिस इज आवर स्ट्रिंग. अब लेट्स से मुझे सिर्फ हेलो चाहिए इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर से, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्लाइसिंग यूज करूंगा. स्लाइसिंग कैसे यूज करूंगा, आई वुड राइट प्रिंट के अंदर सी स्क्वायर ब्रैकेट, मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिखूंगा 0, और फिर मैं जहां तक मुझे चाहिए है मैं काउंट करूंगा 0, 1, 2, 3, 4.
और यहां पे मैं 4 लिख दूंगा। बीच में हमेशा याद रखना आपको कोलोन देना होता है, स्लाइसिंग का सिंटेक्स होता है स्टार्ट कोलोन एंड, ठीक है। अब इस कोड को जैसे मैं रन कर रहा हूं, यू कैन सी मुझे मिल रहा है हेल, विच मींस ये लास्ट वाला जो नंबर है दिस इज नॉट इंक्लूडेड, पहला वाला नंबर इज इंक्लूडेड, दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड। तो आप 4 के बदले बढ़ा के 5 लिख दोगे और अब वो पूरा हेलो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज हाउ स्लाइसिंग वर्क्स, आप स्टार्टिंग पोजीशन देते हो और आप एंड प्लस 1 वाला पोजीशन देते हो टू गेट द एंटायर सबस्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके कुछ वेरिएशंस हैं वो हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं। जैसे कि सोच के देखो, अगर मैं ये लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने लिखा मुझे 2 ऑनवर्ड्स सब कुछ चाहिए, तो होगा क्या, दिस इज 0 एंड 1, दिस इज 2, तो 2 ऑनवर्ड्स सब कुछ एंड तक मेरे पास आ गया, ठीक है। सिमिलरली इफ यू थिंक मैं इस बार स्टार्टिंग पोजीशन ना देकर के सिर्फ एंड पोजीशन दे रहा हूं लाइक दिस, मतलब शुरू से लेके 4-1 तक 3 तक, दिस इज द आंसर 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब अगर आप सोचो मैं ये लिख दूं, मैंने ना स्टार्टिंग पोजीशन स्पेसिफाई किया ना एंडिंग पोजीशन स्पेसिफाई किया, तो अब मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे होती है और वो ये है कि आप स्टेप्स भी बढ़ा सकते हो। जैसे अगर ये मेरा पूरा स्ट्रिंग था, आप ये कर सकते हो C2 से लेके 6:2। अब ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ये स्टेप बताता है, सो यहां पे आप बोल रहे हो कि मुझे 2 से लेकर के 5 तक सारे के सारे कैरेक्टर्स चाहिए, बट एक एक स्किप करके, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 2 स्किप होने लगेगा और आपका आंसर ये आएगा, ये देखो। तो आपके पास आना क्या चाहिए था, 2 to 6, मतलब दिस इज 0, 1, तो दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, बट 6 इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि लास्ट वाला इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहां तक आपका सेलेक्टेड स्ट्रिंग था। अब इसमें भी आपको ऑल्टरनेट रखना है और ऑल्टरनेट छोड़ देना है। तो पहला L आया, फिर L छूट गया, फिर O आया और फिर स्पेस छूट गया, इसलिए आपका आंसर इज LO, ठीक है। अब अगर आप सोचो यहां पे मैंने लिखा होता 0 से लेके 8 और यहां पे लिखा होता 3, तो आउटपुट क्या आता, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो आंसर करने का। द आंसर इज दिस HLW, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मुझे पहला लेना है, फिर 2 छोड़ना है, फिर उसके बाद वाला लेना है, फिर 2 छोड़ना है। सो मैंने H को लिया, E और L को इग्नोर कर दिया, फिर उसका अगला था L, उसमें L को लिया, O और स्पेस को छोड़ दिया और फिर W को ले लिया, एंड दैट इज वाई दिस इज माई आउटपुट, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं लिखूं 0:6:-1, सॉरी हमें पूरा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, देन व्हाट वुड यू थिंक विल बी द आउटपुट, एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। हमेशा याद रखना जब आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ काम कर रहे हो तो आप ये स्टेप नेगेटिव नहीं ले सकते, ये आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आप नेगेटिव नंबर्स के साथ काम कर रहे हो। लेट मी शो यू, अगर आपने यहाँ पे लिखा होता -5 से -1:2, तो आपको डब्ल्यू आर मिलता, ठीक है। कैसे, देखो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -5 से लेके -1, तो लास्ट वाला इज नॉट इंक्लूडेड, आप इतने की बात कर रहे हो, ठीक है। अब इतने में आपको पहला रखना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरा रखना है, चौथा छोड़ना है, तो आपने W को रखा, O को इग्नोर मारा, R को रखा, एंड दैट इज वाई योर आंसर इज WR, ठीक है। यू हैव टू थिंक एंड टेल व्हाट विल बी द आंसर टू दिस। मैंने कोई स्टार्ट और एंड पोजिशन स्पेसिफाई नहीं किया और मैंने -1 का स्टेप दिया, इस केस में आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो जाता है। ये एक बहुत फेमस सिंटेक्स है पाइथन में, ये सेम चीज आप लिस्ट में भी पढ़ोगे, टपल्स में भी पढ़ोगे, बाकी डेटा टाइप्स में भी एप्लीकेबल होता है, बट अगर आपको कभी भी रिवर्स करना हो आप :-1 यूज करते हो। आप एक बार पॉज करके कॉपी पेन लेकर के समझ सकते हो ऐसा क्यों हुआ, बहुत सिंपल है, आपने शुरू से एंड तक लिया और -1 कर दिया तो रिवर्स हो गई पूरी चीज, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। हम एक और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं -1:-5:-1 एंड दिस इज द आंसर। इस बार क्या हुआ, हमने -1 से -5 लिया,
मतलब एक दो तीन चार, ठीक है, और इसको रिवर्स कर दिया एंड दैट इज वाई दिस इज द आंसर. ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. अगर नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है, कुछ स्ट्रिंग्स उठाओ और उसके ऊपर थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करो. विद इन 10 मिनट्स आप कंफर्टेबल हो जाओगे इस कॉन्सेप्ट के साथ, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो आपको आगे बहुत ईजी हो जाएगा कोड करने में. ठीक है, तो यहां तक आई गेस कोई परेशानी नहीं है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू एडिट स्ट्रिंग्स एंड हाउ टू डिलीट स्ट्रिंग्स.